वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी गाइज? मैं बहुत अच्छी हूँ। एंड गाइज, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज कृतिका दीदी की बेबी का फर्स्ट बर्थडे है, तो उसके लिए, उसके फंक्शन को अटेंड करने के लिए हम लोग आए हुए हैं बाहर। सो गाइज, हम लोग पहुँच गए थे और वो व्लॉग आपको अलग देखने को मिलेगा। एंड मैं जस्ट अभी अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एंड गाइज, बाथरूम में व्लॉग स्टार्ट करने का रीज़न ये है क्योंकि पूरे रूम में सिर्फ येलो लाइट की फिटिंग हो रखी है एंड जो वाइट लाइट है वो सिर्फ बाथरूम में, गाइज, और वो सिर्फ यहीं अच्छी आ रही थी। एंड काफ़ी अच्छा प्यारा सा पूरा वाइट टेक्स्चर दे के बहुत प्यारा इन्होंने बाथरूम बना रखा है। सो अभी मैं जा रही थी नहाने के लिए, तो मैंने कहा चलो पहले अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। एंड गाइज, पूरे रूम में सिर्फ येलो येलो लाइट है एंड येलो लाइट ना बहुत कम विजिबल रहती है, वाइट लाइट ज़्यादा बेटर रहती है। सो अभी हम नहाने जा रहे थे बिकॉज 5 ऑलरेडी बज गए हैं। हम लोगों को लेट भी हो रहा है क्योंकि हम लोग आए भी लेट हैं और हमारे साथ कुछ इंसिडेंट भी हो गए थे, वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग्स में या पता लगेंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वैसे आप लोगों को इन्फॉर्म भी है थ्रू रील्स। सो अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोगों को मैं अपना आउटफिट दिखाऊंगी एंड बहुत सुंदर सा मेकअप करने का ट्राई करेंगे। आरुषि दीदी हमारे साथ हैं, ये आपको पता है ब्लश बाय आरू, जो बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, हमेशा हम करवाते रहते हैं। एंड अभी हम रेडी हो रहे हैं। हमने दो रूम्स लिए थे गाइस, एक में जीजू एंड आशु भैया सो रहे हैं, उन लोगों को नींद आ रही थी बिकॉज काफ़ी ड्राइव करते हुए वो लोग आए थे। एंड मैं, प्रेरणा और आरुषि दीदी हम लोग इस रूम में हैं और ये रूम उस वाले रूम से थोड़ा बड़ा है इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं क्योंकि यहाँ स्पेस ज़्यादा है, ज़्यादा स्पेस चाहिए उस वाले से और हमें यहाँ पे नीड है। और अभी जस्ट मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। एंड इस बाथरूम का फॉर्मेट बहुत अच्छा है, यहाँ नहा सकते हैं और ये मतलब लाइटिंग सिर्फ यहाँ की अच्छी है, वैसे रूम की होनी चाहिए थी बिकॉज अब हमें रील शूट करनी है बट यहाँ की अच्छी है। बट अभी मैं मिलूंगी आप लोगों से सबके साथ एंड मैं अभी आपको दिखाती हूँ सब क्या कर रहे हैं। वेट, ये है हमारा कुछ रूम और प्रेरणा और आरुषि दी रेस्ट कर रहे हैं एंड आउटफिट्स वगैरह निकल गई हैं। खुल गया थी ब्लाउज, केप खुल गया, मैंने बोला हैंड में दो। अच्छा चले गए, इसमें नहा लेती हूँ देन आप लोगों से मिलती हूँ, बाय, टेक केयर। हो गया कशिश का मेकअप, हम दोनों ने, बहनों ने ब्लाउज पहन लिया और अपना मेकअप स्टार्ट करा दिया है और आप देख सकते हो इसका तो ऑलमोस्ट हो गया क्योंकि हम बहुत लाइट मेकअप करा रहे हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा जो क्या बोलते हैं, मैंने इंग्लिश में ट्रस्ट वर्ड थी क्या बोलते हैं, हाँ वही भर्ती भर्ती जो भी हुआ है। अरे यार थोड़ा सा मेरा हाथ तंग है इंग्लिश में, यार क्या हो गया है तो है पता है, थोड़ा सा मजे लेती हूँ मैं। जो ट्रस्ट वर्थी बंदा होता है ना वो हमारा आरुषि है, तो इसीलिए इतनी दूर तक भी, चंडीगढ़ में भी काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट मिल जाते हैं बट ट्रस्ट वाली बात है क्योंकि पता था कि ये चल भी लेगी हमारे साथ और हम भी इसके साथ कंफर्टेबल है, ये भी हमारे साथ कंफर्टेबल है, तो ये वाली बात है। तो कशिश का आप देख सकते हो बेस पूरा बन गया बट आप कोई कह नहीं सकता कि इसके मुंह पर लिपअप होती हुई है। ओ सॉरी सॉरी, मेकअप आरुषि कहेगी एक मारूंगी ना पाउच उठा के। सो लाइनर लग रहा है यहाँ पे और चलो मिलते हैं। नहीं, मेरा मेकअप हो चुका है कंप्लीट और गाइज आज मुझे मेरा मेकअप इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हद से ज़्यादा। पर मैं गाइज ऑलरेडी मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ, अब मैं इससे ज़्यादा बार नहीं बोलूँगी क्योंकि फिर नज़र लग जाती है गाइज। और ना मतलब सच में आज तो प्रेरणा को भी बहुत सुंदर लगा और मतलब प्रेरणा ने भी देखा, जब होते हुए तो वो देख ही रही थी बट जब हो गया था ना कंप्लीट तो प्रेरणा को भी बहुत पसंद आया, आरुषि दीदी ने तो किया है, उनको तो आएगा ही। एंड मैंने भी जब से मैं मिरर में देख रही हूँ ना, आप लोग फिर भी कैमरे में देख रहे हो तो आप लोगों को इतना पता नहीं लगेगा बट सामने से यार ये मेकअप इतना सेक्सी लग रहा है ना, मतलब इतना अच्छा मेकअप हुआ है आज, मतलब बिल्कुल ना कोई बहुत एक्स्ट्रा बेस बना है, ना एक्स्ट्रा आई मेकअप है, ना एक्स्ट्रा कुछ है एंड सारा ऑल ओवर लुक बहुत प्यारा है। मेकअप बहुत अच्छा हो गया, बस अब हेयर स्टाइल बनना है, वो बन जाए और उसके बाद रेडी हो जाए। साड़ी की पहननी है मैंने, वो मैं आपको दिखाऊंगी पहन के एंड तब तक वॉचेस ब्रेसलेट वगैरह पहन लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और प्रेरणा रेडी हो रही है अभी, जीजू और भैया सो ही रहे हैं और फिर मिलते हैं गाइस। ओके हो गए रेडी एंड अब हम लोग अपने होटल से निकल रहे हैं फंक्शन में निकलने के लिए बिकॉज हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। और बाकी हम लोग रेडी हो गए, मैं फुल लुक आपको अपना दिखाऊंगी। ब्लाउज बहुत सुंदर है यार, ये इसके ऊपर जो कैप है ना, हाँ अरे अरे, तो गाइस मैं आपको वैसे पूरी दिखाती हूँ, देखो सुंदर है। और चलो मिलते हैं अब आप लोगों से फंक्शन में पहुँच के। वैसे तो हम लोग काफ़ी लेट हैं, हम लोग गाइस से हर जगह लेट कर देते हैं, वो हमारी खानदानी आदत है आप लोगों को भी पता होगा, बट सारे तैयार हैं ये और अब हम चल रहे हैं गाइस, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओके बाय, शुक्रिया। हाँ जी भैया, सारे यार तुम वैसे ही वैसे और सुंदर हो गए। तो यहाँ मिट्टू, मिट्टू के हस्बैंड, यहाँ प्रेरणा, यहाँ पे भैया, ये मेरे सिस्टर और तो भाई, मैं ये मेरे भाई।
अभी तो नहीं लग रही मतलब बर्थडे पे आना थोड़ा मुश्किल था। मैं बताऊं क्या होता है, जैसे पिछली बार जब आए थे तो उनका शीशा किसी ने तोड़ दिया था, तुम्हारे पीछे कोई लगा हुआ है क्या? ऑटो से आएंगे अगली बार से। बताती हूँ आपको, अभी तो आरुषि दी ब्लॉग हैंडल कर रही थी, सो हम लोग पहुँच चुके हैं एंड जैद का बर्थडे था और था नहीं मीन्स अभी तो है गाइज, और मिलते हैं आप लोगों से उसके बाद। केक कटिंग हो रही है, मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत प्यारा केक है। अरमान भैया कुछ समझा रहे हैं जीजू को, और ये चीज़ हर कोई समझाता है जीजू को, क्या समझा रहे हैं वो थोड़ा पर्सनल है सो वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। बट चलो अब घर निकल रहे हैं थोड़ी देर में, क्यों भाई नितेश चले घर? चले चल रहे हैं घर हम लोग, और बस फिर मिलते हैं आप लोगों से घर पहुंच के। नोना की काफ़ी कॉल्स आ रही हैं, परेशान हो रही है वो हम लोगों को देख देख के कि मासी मम्मा घर नहीं है, घर नहीं है, घर नहीं है। बट चलो निकल रहे हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से भी। आ चुके हैं अपने होटल पे वापस एंड अरे नहीं यहाँ नीचे फोर्थ फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर है हमारा। चलो चल रहे हैं रूम पे चेंज करेंगे अंदर, एंड हमने अपना सारा कुछ चेंज कर लिया। मैंने तो बस लेंस वगैरह निकाले और मेकअप नहीं रिमूव किया, बट हाँ कपड़े चेंज कर लिए बिकॉज गाड़ी में सोते सोते जाएंगे। चलो चल चल अरुषि बंद कर दे। अरुषि गाइस देखो मैं क्या करती हूँ, बाय अरुषि। ये भी गाइस हमारा रूम था, इसे भी बाय कर देती हूँ, बाय रूम। चप्पल है आपकी? अरे ढीली नहीं है, अभी सीढ़ी उतरोगी ना कुत्ते की तरह शोर करेगी मतलब। नहीं हम जा रहे हैं, तो गाइस चलो मैं चलते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से, ओके बाय। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि रात के बज रहे हैं 3, और हम लोग हैं गाइस मन्नत हवेली पे। बस 40-45 मिनट्स में घर पहुँच जाएंगे। बस हम लोग रुके थे यहाँ पे बिकॉज प्रियंका को कुछ वीडियो शूट करनी थी आरुषि और दी, और मुझे वॉशरूम जाना था, तो हमने कहा फटाफट से रुक जाते हैं, और फिर क्योंकि उससे पहले तो हम सो ही रहे थे, कुछ पड़ा नहीं था नियर,
एंड नींद आ रही है, प्यारी लग रही हूँ मैं, वो प्यारी गाइज लगूंगी। बाय गाइज, गाइज घर जाते ही सो जाऊंगी, तो पता नहीं नोना उठी होगी या नहीं, जो भी होगा घर जाते ही व्लॉग लेट होगा, जल्दी डलेगा, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट माफ़ी चाहती हूँ अगर लेट हो जाए तो। बाकी मिलते हैं पहुँच के घर, वो सारे बाहर हैं, मैं चलती फटाफट, बिकॉज मैं लग गई थी मेकअप ना बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे हो रहा था, बहुत देर से हो रखा था ना, लेंसेज वगैरह थे, तो लेंसेज एंड लैश निकाले हैं मैंने, अब मिलती हूँ आपसे बाद में। अब कल बोलेगी क्या? गाइज देखो कोई मुझे प्यार कर रहा है, कोई मुझे प्यार, कोई मुझे प्यार कर रहा है क्या? नहीं यार, ये फेस की स्माइल कैसे आ गई इतनी सारी? किसी दो किसी नहीं है बोल, कहा जाती हो? मार क्यों रही है? बोल नोना को छोड़ के जाएगी? बस बस बस, हो गया हो गया, रोएगी फिर माची। जा, मैं तुझसे प्यार नहीं करूंगी, अब जा, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ घर, जा मैं जा रही हूँ घर से। घर और घर आते ही ना मैंने सबसे पहले अपना हेयर स्टाइल ओपन किया, एंड हेयर स्टाइल ओपन करके ना मैंने अपना मेकअप सारा रिमूव किया और बस फेस वॉश से स्किन पे फेस वॉश से फेस वॉश करके आई हूँ, और अभी थोड़ा मॉइस्चराइजर लगा के जस्ट जा रही हूँ सोने के लिए। एंड नोना बहुत ज्यादा हैप्पी। नोना इधर आओ, नोनू नोनू आप जा रहे हो? हाँ मैं जा रही हूँ, बाय मम्मी। बाय मम्मी। बाय बेटा। चलो मैं जाती हूँ, बाय अरुषि दीदी। नोना बाय, बाय कर इधर आ, व्लॉग में बाय कर, मैं जा रही हूँ। देखिए कोई कर रही है ना, मासी जाए, बाय अब नहीं जाने देगी गाइस। और चले गाइस इसी के साथ करते हैं इस वाले व्लॉग का एंड, आपसे मिलेंगे कल एक न्यू व्लॉग के साथ। चीता चाहिए चले इसी ब्लॉग का करते हैं, आपसे मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। आप ये वाला ब्लॉग इंजॉय करें, हम लोगों ने काफी इंजॉय किया वहाँ पे, एंड सभी गाइज बहुत अच्छे हैं, पायल दीवी, कृतिका दीवी और अरमान भैया भी, हाँ बहुत, तीनों बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके भी, और बाकी सब कुछ आपको रील्स में भी देखने, हमने काफ़ी सारे रील्स शूट किए हैं साथ में, वो भी आपको देखने को मिलेगा, एंड हमारा लुक कैसा लग रहा था वो भी कमेंट करके बताना। एंड गाइज नींद बहुत तेज़ आ रही है, सो जस्ट, और मैं घर आई हूँ तो मुझे पता लगा पुनीत और अंशु है नहीं, वो दोनों अपना घूमने गए हुए हैं भाई, पुनीत और अंशु मौज कर रहे हैं आजकल ज़िंदगी की, और नोना अलग कर रही है। तो चलो मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, इस वाले ब्लॉग को लाइक शेयर कॉमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, लव यू, टेक केयर।